नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस सदाबहार जो अभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा फूल देने वाला है इन प्लांट के बारे में बताती हूँ। आप कैसे इनकी केयर करें, किस तरह से इनको फूल ज़्यादा से ज़्यादा आए। ये देखिए, ये मेरा जो ऑरेंज कलर वाला सदाबहार है, इसमें फूलों से देखिए लगभग, ये मैंने अभी थोड़ा इसमें पानी का स्प्रे किया था तो ये गीली हैं पत्तियाँ। देखिए कितना अच्छा ये खिला हुआ है और काफ़ी सारे इसमें फूल आ रहे हैं। देखिए, वही मैं नॉर्मल इसमें बर्मी कंपोस्ट खाद दे देती हूँ। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने सरसों की कली का भी दिया था, और कभी कभी जैसे राइस वाटर जैसे हम उबालते हैं उस पानी को ठंडा करके 24 घंटे के बाद डाइल्यूट करके भी आप दे सकते हो। इस तरह से ये सब चीज़ें दे, अगर बिल्कुल ही कम फ्लावर आ रहे हैं तो आप फिटकरी का पाउडर जो होता है 1 चम्मच, उसको 1 लीटर में घोल लीजिए और उसको भी आप डाइल्यूट करके 10 गुना पानी में मिला के 1-1 ग्लास दे सकते हो, तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आती है। और गर्मियों में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। ये देखिए सदाबहार का, ये वाइट वाइट वाला है, ये नॉर्मल वाला वाइट नहीं है। इसमें देखो बीच में जो है, इसमें पहले मैंने शिवलिंग रखे हुए थे तो उसमें मैं दूध भी थोड़ा थोड़ा डालती थी शिवलिंग को नहाने के लिए, तो ये बहुत फ्लावरिंग करते थे। काफ़ी ज़्यादा इसमें आ रहे हैं फूल। और ये तो ऑरेंज कलर है, मेरा एक पिंक कलर भी है, लाइट पिंक कलर, बहुत अच्छा है। और ये देखने कितना सुंदर, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने इसमें फिटकरी वाला डाला था ऐसे ही, तो थोड़ा एसिडिक हो जाती है मिट्टी उससे, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। आप ये 2-3 चीज़ें दे सकते हो और आराम से फ्लावरिंग करते हैं। गुड़ाई वगैरह इसकी मिट्टी जो है, देखो इसकी बिल्कुल एकदम ऐसी मिट्टी है जिसमें पानी आराम से ड्रेन हो जाए, कोई रुके नहीं, वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। देखिए, ओके बाय दोस्तों।